हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा जो है हम क्लास सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 9 द मुंबई म्यूजिशियन से स्टार्ट किया जाएगा। आज का आपका चैप्टर नंबर 9 है द मुंबई द मुंबई म्यूजिशियंस। ठीक है, एम यू एस आई सी आई ए एन एस म्यूजिशियंस। ठीक है, म्यूजिशियंस में बेटा आपका संगीतकार। ठीक है बेटा, द मुंबई म्यूजिशियंस यानी कि मुंबई के संगीतकार, मुंबई म्यूजिशियंस। ठीक है बेटा, यह चैप्टर जो है 9 पेज नंबर 12 पे या स्टार्ट किया जाए बेटा। और इसके पहले हम बता दें कि पिछले वीडियो में जो है आपको चैप्टर नंबर 8 लिजी द लिजार, लिजी द लिजार से आपका ये लिसन एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपका बता दिया था। लिसन केयरफुली टू योर टीचर, ही नाउ फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन आपका क्रिया और वर्ब के बीच दिया गया था, इसे आपको लाइव में दिखाया गया था, बताया गया था। और इसी से संबंधित, इसी कन्वर्सेशन से संबंधित आपके नाउ फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसमें आपके फिफ्थ फिल द ब्लैंक्स थे, उसको आपको कंप्लीट करके बताया गया था। और यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग में यह था आपका कंप्लीट द पोयम विद रिमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर जो है एक पोयम दिया गया था बुक में, और उसको जो है रिमिंग वर्ड की सहायता से आपको कंप्लीट करना था, जो कि आपको वर्ड्स यहाँ पे बॉक्स में दिए गए थे। ठीक है बेटा, ये आपका पोयम था देयर इज अ स्मॉल माउस, आपका हो जाएगा इट लिव्स इन माय हाउस। माउस का हो जाएगा हाउस। इट रन्स वेरी फास्ट, इट लिव्स द कैट इन द लास्ट। फास्ट का हो जाएगा लास्ट। इट लव्स टू ईट चीज, बी इट वार्म और फ्रीज्ड। ठीक है, ये चाहे वह ठंडा हो चाहे वह गर्म हो, चीज का हो जाएगा फ्रीज्ड। एंड लास्ट लाइन था फिर आपका दो, इट इज वेरी स्मॉल, इट नेवर टम्बल्स और फॉल्स। स्मॉल का हो जाएगा फॉल्स। इस तरह बेटा आपने जो है इसको कंप्लीट किया होगा, रिमिंग वर्ड्स की सहायता से आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया होगा। ठीक है, और ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट था गया। और इसके बाद जो है आज आप जो है चैप्टर नंबर 9 आपका जो है मुंबई म्यूजिशियंस आज आपको स्टार्ट किया जाएगा। इसमें पहला अंक आपका सबसे पेज नंबर 42 पे गेट से। ठीक है, गेट से दिया गया है और यहाँ पे दिया है रिकॉग्नाइज द एनिमल्स फ्रॉम द साउंड्स दे मेक। ठीक है, आपको उस एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। ठीक है, जिस उनके साउंड से, उनकी आवाज से, ठीक है, उनकी आवाज से आपको उस एनिमल्स के नेम को, एनिमल्स को आपको पहचानना है, जैसे कि वे आवाज करते हैं, उनकी आवाज को सुन करके, उनकी आवाज को सुन करके जो है आपको उनके नेम बताने हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखा है आपका रिकॉग्नाइज आर ई सी ओ, रिकॉग्नाइज एन आई एस टी, आर ई सी ओ जी एन आई एस टी, रिकॉग्नाइज द एनिमल्स animals, recognize the animals from sounds from the sounds they make. ठीक है बच्चों, आपको एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है उनकी आवाज से। यहाँ पे आपका 1 से लेकर 8 तक कुछ एनिमल्स के जो है साउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स के यहाँ पर साउंड्स दिए गए हैं और उसके प्रत्येक साउंड्स के आगे आपका फिल्ड ब्लैंक्स है, उसी में आपको उसके साउंड्स को पहचान करके उनके नाम को जो है आपको लिखना है। चलिए पहला आपका क्या है, फर्स्ट बेटा आपका य
M-E-O-W-μ, ठीक है, M-E-O-W, सेकेंड बेटा L-E-I-G-H, L-E-I-G-H, नी, ठीक है। थर्ड बेटा B-O-W, ठीक है, बो, ठीक है, बो। फोर्थ बेटा B-U-J, बुज, ठीक है, B-U-J, बुज। फिफ्थ है C-A-W, ठीक है, का। सिक्स बेटा C-R-O-C-K, को C-R-O-A-K, यहां पर भी C-R-O-A, ठीक है, C-R-O-A-K, क्रो, C-R-O-A-K, C-R-O-A-K, ये दिया हुआ है। और इसके सामने जो भी आपका आंसर से ये आपका फिंगर ब्लास्ट है, यहां पर आपको इनके नेम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ है मू, M-O-O, क्वाइट। ये जो आपके एट आपके ब्लैकबोर्ड पे आपके जो सभी दिख रहे हैं, एट ने जो आपके हैं, ये बेटा सभी क्या है, किसी न किसी एनिमल्स के साउंड्स है, ठीक है, किसी न किसी एनिमल्स की क्या है, साउंड्स है, आवाज है। और आपको यही बताना है प्रत्येक साउंड को पहचान करके, ठीक है, प्रत्येक साउंड को महसूस करके या पहचान करके आपको उनके नेम लिखने हैं, उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि कौन सा जानवर जो है किस तरह साउंड करता है, उसको आपको उस एनिमल्स को आपको पहचानना है साउंड्स के अनुसार। पहला देखा बेटा M-E-O-W-μ, M-E-O-W-μ दिया है, और आप यहां पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ एनिमल्स के जो है फिगर दिए गए हैं, इन्हीं एनिमल्स के फिगर में से आपके जो है पूछा गया है, ठीक बेटा, ये एनिमल्स के फिगर है, इन्हीं एनिमल्स को पहचानना है, उनके साउंड से मैच करना है, लिखना है उनके सामने, ठीक बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे M-E-O-W दिया है, M-E-O-W-μ, तो आप जानते हैं म्यू कौन करता है, म्यू करता है, M-E-O-W-μ, ठीक है, ये बेटा कौन करता है, बिल्ली, आपको पता होगा, आपने सभी ने आवाज इसको सुनी होगी, ठीक है, बिल्लियों की आवाज आप जानते हैं, म्यू म्यू करता है, तो आपको क्या हो जाएगा, C-A-T, यहाँ पे कौन सा इनपुट हो जाएगा, C-A-T-Cat, ये किस एनिमल्स का साउंड है, कैट का, म्यू जो है कैट का साउंड है, ठीक है, तो उसके सामने हम जो है कैट लिखेंगे, समझ गए बेटा। नेक्स्ट आपका है N-E-I-G-H, नी, N-E-I-G-H, नी मीन्स होता है बेटा हिनहिनाना, नी मीन्स हिनहिनाना, N-E-I-G-H, नी, हिनहिनाना बेटा, तो ये हिनहिनाता कौन है, कौन सा जानवर जो है हिनहिनाता है, तो आप कहेंगे बेटा घोड़ा, घोड़ा क्या करता है बेटा, हिनहिनाता है, ठीक है, नी मीन्स होता है हिनहिनाना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किस एनिमल्स का है, आपने सुना होगा उसकी आवाज को,
इन आते हुए, तो ये मतलब क्या हो जाएगा हॉर्स, यहाँ पे कौन सा एनिमल होगा हॉर्स, एच ओ आर एस ई, एच ओ आर एस ई हॉर्स, हॉर्स का होगा आपका हिनहिनाना। नेक्स्ट देखिए बेटा बी ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, ठीक है, बो 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 बो, ठीक है, बो बो कौन करता बेटा, बो बो आपने सुना होगा ये साउंड किसका है, तो आप कहेंगे कुत्ते जो है बेटा बो बो करते हैं, कुत्ते जो है बो बो करते हैं, ये आपका साउंड क्या होगा, इसका आपको सिंबल क्या होगा, तो आप कहेंगे डॉग, डी ओ जी, इसका बेटा डी ओ जी डॉग, ये साउंड जो है बो बो जो दिखा है ये आपका बेटा डॉग का होगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो डबल्स, बी यू डबल जे बुल्स, ठीक है, बुजिंग मीन्स होता है बिन बिनाने की आवाज, बिनाहट, ठीक है, बिन बिनाना बुजिंग या बुज या है बिन बिनाहट की आवाज, ये कौन करता है बेटा, ये जो है आपकी मक्खियां जो बी होती है, बी बी डबल ई बी मीन्स मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या करती है बेटा, बुजिंग नॉइज करती है, यानी कि भिनभिनाट, भिनभिनाट की आवाज निकालती है, भिनभिनाती है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बी डबल ई, बी डबल ई, बी मीन्स हो जाएगा आपका मधुमक्खिया, ये जो बूज है ये हो जाएगा बी। आइए फिफ्थ देखते हैं बेटा, फिफ्थ में आपका दिया है का, ये सारी आवाजें आप लोगों ने सुनी है, सारी आवाजें जो भी साउंड से आप दिखा है सब आवाज में है, और सभी एनिमल्स को आप जानते हैं, कैट भी जानते हैं, हॉर्स डॉग बी मीन्स मधुमक्खी ये भी जानते हैं, इसमें काव काव, ठीक है, काव काव कौन करता है बेटा, तो ये तो सभी ने इसकी आवाज सुनी होगी, काव काव तो ये बेटा कौवा करता है, कौवा कैसे करता है, काव काव करता है ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, यह क्या होगा आपका सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो मीन्स कौवा, ये काम काम की आवाज कौन करता है बेटा, कौवा, सी आर ओ डब्ल्यू। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्रो, क्रो दिया है सी आर ओ ए के, सी आर ओ ए के, क्रो क्रो, ठीक है बच्चों, ये क्रो क्रो जो है किस एनिमल्स का साउंड है बेटा, क्रो क्रो आपने जो है बारिश जब होता है तो मेढक की आवाज सुने होंगे, ठीक है, मेढक की आवाज उसी को बता बेटा ये कहा है क्रो क्रो, ये साउंड किसका है, मेढक का है, ठीक है, आपने सुना होगा आवाज मेढक की, तो ये क्रो क्रो करते हैं सी आर ओ ए के, सी आर ओ ए के, क्रो क्रो ये मेढक करता है, और मेढक को क्या कहते हैं बेटा फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग मीन्स मेढक, ये मेढक का, मेढक ये फ्रॉग का साउंड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका सेवन, मू मू लिखा है, मू मू, ठीक है, मू मीन्स होता है बेटा आपका रंभाती है, मू या मू मीन्स रंभाना या रंभाती है, गाय की आवाज, गाय जो है क्या करती है, ये आपका काव का साउंड है, गाय का साउंड है जो कि क्या करती है बेटा रंभाती है, मूस मीन्स होता है रंभाना, एम डबल ओ एम डबल ओ, मू मू, ठीक है, मू मू, ठीक है, ये होता है रंभाना जो कि गाय करती है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा काव, सी ओ डब्ल्यू, काव मीन्स गाय, ठीक है बेटा। और लास्ट आपका है साउंड क्वैक क्वैक, जो कि एट नंबर पे है क्यू यू ए सी के, क्यू यू ए सी के, क्वैक क्वैक मीन्स, ये आपको किसका साउंड बेटा, क्वैक क्वैक कौन करता है, क्वैक क्वैक का आपका बत्तख, बत्तख का साउंड सुने होंगे, वह जो होता क्वैक क्वैक करता है, बत्तख जो है कैसे करता है, क्वैक क्वैक करता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बत्तख का जो साउंड है क्वैक क्वैक, इसके लिए हम इस एनिमल से लिखेंगे डी यू सी के डक, डी यू सी के डक मीन्स बत्तख, क्लियर बेटा। ये आपकी जो यहाँ पर एक तरफ जो बताया रिकॉग्नाइज द एनिमल्स, आपको एनिमल्स को पहचाना था, आपने एनिमल्स को पहचानने के लिखा फ्रॉम द साउंड दे मेक, जैसा कि वे आवाज करते हैं या बनाते हैं उसके अनुसार, यहाँ पर म्यू दिया है, यानी कि म्यू मींस आपका बिल्ली हो जाएगा, क्या नी मींस बिठाना, आपका हॉर्स घोड़ा, वो हो यानी कुत्ता वो करता है, डॉग बी डबल जेड बस मींस द बिल बिनाना, तो मक्खिया जो करती है, मक्खिया जो बेटा बी होती है वो बिनाती है, बी
का पा मीन्स या आवाज जब कवेगा तो कवा जो है सिया लोग प्रो मीन्स कवा और प्रो प्रो की आपको का मेढक का आवाज है जिसके तो फ्रॉग एंड मूव मीन्स तरफ मारा क्राउ हो जाएगा और क्वैक क्वैक के लिए आपको आ जाएगा डी यू सी के डक मीन्स बत्तक। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस गेट चेक को कंप्लीट करेंगे। आइए बेटा इसके बाद फिर आपका पेज नंबर 44 पे और कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप में आप देखेंगे पेज नंबर 44 बेटा है कंपनी के चेकअप में पहला था ए टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर पर जो है आपको सही का निशान टिक करना है, लगाना है। ठीक बच्चों, इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं, पहला अंक आपका गोपू वेंट टू मुंबई टू बी ए, गोपू जी डॉट ओ पी यू, बस क्या आपका जी डबल ओ पी यू गोपू वेंट टू मुंबई। गोपू वेंट टू मुंबई टू बी ए, टू बी ए। यानी जो गोपू जब था जी डबल ओ पी यू गोपू, गोपू कौन था? गोपू एक डंकी था। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डंकी नेम्ड गोपू जी डबल ओ पी यू गोपू। ठीक है, गोपू जो था एक गधा था, डंकी था। ठीक है बेटा, एक गधा या डंकी था, तो वो बेटा क्या करने के लिए गोपू वेंट टू मुंबई, वो जो है मुंबई गया, गोपू जो है मुंबई गया टू बी ए, यानी कि टू मिनट तक के लिए बी मिनट बनना। ठीक है, बनना या होना। ठीक है, तो बनने के लिए एक, बनने के लिए, बनने के लिए एक, क्या बनने के लिए कहते बेटा, वो जो है गोपू जो है मुंबई क्या बनने के लिए गया था, उसे आपको राइट करना लिखना है। ऑप्शन ए बेटा पॉलिटिशियन PolitiCIAL पॉलिटिशियन। ऑप्शन बी म्यूजिशियन MUSICIAN म्यूजिशियन। एंड ऑप्शन सी बच्चों डायरेक्टर DIRECTOR। ठीक है, कहा कि जो गोपू था गोपू वेंट टू द मुंबई टू बी ए, गोपू जो है मुंबई एक बनने के लिए गया था, एक क्या बनने के लिए, नीति रूप से ए आपका है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन बनने के लिए गया था, या फिर म्यूजिशियन बनने के लिए गया था, या फिर डायरेक्टर बनने के लिए गया था, इन तीनों में से गोपू क्या बनने के लिए मुंबई गया था, गया उसको आपको राइट करना है। ठीक बेटा, आगे देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड। ऑन द वे यानी कि रास्ते पर, रास्ते पर ऑन द वे रास्ते में गोपू में गोपू में ऑन द वे गोपू में ए डॉग में ए डॉग नेम। ठीक है,
ठीक है। ये रास्ते में जो गोपू जो गधा था, गधा जो गधा था गोपू, वह बेटा एक डॉग किससे मिला, मेट द डॉग, ऑन द वे गोपू मेट अ डॉग नेम, ठीक है। रास्ते में गोपू एक कुत्ता से जो है, कुत्ते से जो है मिला था, नामक कुत्ते से मिला था, मतलब उसका क्या नाम था उसको आपको राइट करना है, उस कुत्ते जो गोपू जो मिला था रास्ते में उसका क्या नाम था वही आपको राइट करना है, लिखना है, ठीक है बेटा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए डोकू, DOOPU डोकू, ऑप्शन ए दिया डोकू, ऑप्शन बी है बेटा फरी, FURY फरी, एंड ऑप्शन सी है कुकु, CUCKUU, ठीक है बच्चों। आगे की ऑन द वे गोपू जो गधा था, गधा था गोपू, वह एक कुत्ते से मिला था, उसका नाम क्या था, कुत्ते का जो जिसको मिला था उस कुत्ते का जो है क्या नाम था उसको आपको लिखना है, डोकू था DOOPU डोकू, या बी ऑप्शन है आपका या फिर बता भाई फरी, एंड सी बता आपका CUCKUU कुकु, ठीक है। इन तीनों में से कौन था वो आप टिक करेंगे जो करेंगे ऑप्शन होगा, एंड थर्ड बेटा फरी वॉज द नेम ऑफ, फरी वॉज द फरी वॉज द नेम ऑफ, यानी अभी फरी वॉज द नेम ऑफ ए, यानी फरी एक नाम था, किसका नाम था वो आपको रिटर्न, फरी जो है नाम था एक, किसका नाम था उसको आपको राइट करना है, ठीक बेटा समझ गए। फरी जो नाम था वो किसका था, ऑप्शन ए कैट बिल्ली, ऑप्शन ए आपका दिया है कैट बिल्ली, ऑप्शन बी है बेटा आपका DONKEY डंकी, मिस गधा, गधे का नाम था DONKEY डंकी, एंड लास्ट ऑप्शन सी बेटा CCK कॉक, ऑप्शन सी COCK कॉक मीन्स मुर्गा, COCK, ठीक है। तो इन तीनों में से फरी वॉज द नेम ऑफ ए, एक है डंकी या एक मुर्गे, मतलब किसका नाम था, एक कैट का नाम था फरी, या फिर एक गधे का नाम था फरी, या फिर एक मुर्गे का नाम था फरी, ठीक है। इन तीनों में से किसका जो है नाम फरी था, और इसमें क्या करना था प्रश्न में, ऑन द वे गोपू मेट अ डॉग नेम, और इसमें से इन तीनों में से जो आपको बी है और जो सेकंड है उसमें डोकू फरी कुत्ते का जो कुत्ता था वो डॉग था उसका क्या नाम था वो आपको राइट करना है, और इसमें गोपू वेंट टू मुंबई टू बी अ मॉलिशियन मॉलिशियन एंड डायरेक्टर, इसमें से क्या बनने के लिए हमने लिया था ये आपको बेटा होमवर्क रूप में इसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। ये तीनों जो आपके टिक द करेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं इसे आप बेटा होमवर्क रूप में आप कंप्लीट करेंगे, आपको ये अच्छी तरह से सब पढ़ाया गया है, ठीक है। नाइन्थ द मुंबई म्यूजिशियंस, उसको आप जो है अच्छी तरह से होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे आपका दिया हुआ है बी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड या फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपको कराया जाएगा, और सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये दोनों आपको बी और सी जो है नेक्स्ट वीडियो कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड टेक केयर।